हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मॉर्निंग का टाइम है, ये मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन साथ में ही ये कपड़े यहाँ पे बांध के रखे हुए थे मुझे, और भी ऊपर से मैं लेके आई जो डाले हुए थे छत पे कपड़े, तो उसको भी मैं यहाँ पर बांध के रख रही हूँ। आज का जो ब्लॉग है जन्माष्टमी वाले दिन, दो दिन का है ये ब्लॉग सबको। एक्चुअली जन्माष्टमी जो है वो दो दिन का हो गया था, वेडनेसडे एंड थर्सडे, बट वेडनेसडे को बच्चे को स्कूल में भी था, तो वहीं पे खाना बन के धनु गए हैं। बाकी सारे ब्लॉग में जो भी सुबह का पार्ट थे, धनु को जो रेडी कराया, कैसे मिले अपनी फैमिली से, सब कुछ जो भी है ना वो उनके चैनल पे देखने को मिल जाएगा, धनुआ के दुनिया के चैनल पर, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ उनसे रिलेटेड ब्लॉग डालती हूँ। सो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं बाबू को लेने जा रही हूँ, बिकॉज़ पापा जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास गए हुए हैं, पैर वगैरह में दर्द हो रहा है, तो वही दिखाने के लिए। और आज धनुआ जो है कान्हा जी बन के गया है। वेलकम तो किया नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भूल गई थी कि मैंने ब्लॉग आज स्टार्ट नहीं किया है। सो ये ब्लॉग जो है यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और एंड देखो कहाँ करती हूँ। एक्चुअली आज क्या हुआ ना, कल की बात बताती हूँ, मैंने जो शूट नहीं किया, कि धनुआ का जो ड्रेस था कान्हा जी वाला, वो मैं ढूंढ रही थी पिछले साल वाला, तो वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मिले तो बहुत परेशान होगी। मम्मी ने बोला कि अजीत आ रहा है, तो उसके साथ चले जाना नीचे से ही, उसे बोलना कि गाड़ी से आए नहीं बाहर और जाके ले आना, क्योंकि आज स्कूल में उसे पहनाकर भेजना था। तो मैंने बोला कि ऑफिस आएंगे थक के, फिर वो कल लोधी रोड भी चले गए थे, वहाँ मंदिर जाते हैं वहाँ पर। तो मैंने क्या किया कि मैं ढूंढती हूँ, मैंने बोला मैं फिर से बैठ जो है ना कूड़ा हटा के देखती हूँ, तो मुझे पिछले साल वाला नहीं मिला। पता नहीं मम्मी ने किसी को दे दिया या क्या, उससे पिछले साल वाला मिल गया, जो कि और भी अच्छा था, क्योंकि उसके साथ मैंने पर्ल की जो भी माला मुकुट जो भी रखा था ना, वो सब रखा था, बस सिर्फ बांसुरी नहीं था। सो मैंने बोला कोई नहीं, काम चल जाएगा, ये लेके भेजती हूँ। तो मैंने उसे पहनाया, तो फिर मैंने उसे रात में ही वॉश किया, रात में ही पंखे के नीचे सुखाया, सुबह भी गैस प्रेस कर दिए। मैंने भाभी मैं कर दूँगा, मैं अपना करूँगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है। उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, धनु को इरिटेट होते हैं कि वो कहीं चुभेगा, जो वो कॉटन नहीं तो माड़ी की क्या बोलते हैं वो वाला, वो बस आ गई है और मैं यहीं पे हूँ। सो गाइस, मैं तो डरी गई थी कि बस बाबू की निकल गई, वही मैं सोच रही हूँ कि 10 मिनट पर, मैं टाइम से बहुत ज़्यादा पहले आई हूँ, तो बस कैसे निकल गई? वो शायद दूसरी बस थी और इसके स्टॉप पर रुकी थी, येल्लो थी, सामने से दिखा नहीं, थोड़ा दूर थी मैं, कि अभी आए हुए मुझे 10 मिनट हो गए, अभी तक बस आई नहीं, और मैं तो बिल्कुल डाउट में हो गई। फिर यहाँ पे एक ना भैया रहते हैं हमेशा अपना जूस का दुकान लेके, मैंने उनसे पूछा, कह रहे नहीं नहीं अंकल जी जो लेने आते वो वाली बस नहीं थी। तब मुझे वो बस अच्छा है, चलो ठीक है, वरना मैं सोच रही थी घूम के आएगी तो मुझे देगी, दूसरे रोड से वो घूम के जाती है, बट वो बस नहीं थी। मैं वही सोचूं कि इतनी देर पहले कैसे आ गई, 15-10 मिनट पहले। सो कान्हा जी बने हुए हैं, मैं तो सारी बातें ही भूल गई, टेंशन में क्या क्या आप लोग से बात करने वाली हूँ। कान्हा जी बने हैं, मुझे ओरिजिनल असली वाला कान्हा जी बन के जाना है। मम्मा मेरा कुछ भी मत खोला, इयर रिंग्स पहन के, पर्ल पहन के, सब पहन के गए हुए हैं, तो मुझे वही याद है पिछले साल भी कान्हा जी जब बने थे, तो मेरे साथ यशोदा मैया में बनी थी, तो मेरे साथ वीडियो बनाया था उन्होंने, बहुत सारे रील, उसमें आपने एक रील को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, 47 लाख है, 4.7 मिलियन उस पर व्यूज़ है यूट्यूब पे, यूट्यूब जो शॉर्ट्स होता है, अगर आप मेरे शॉर्ट्स में जाओगे ना और कामिनी सिंह शॉर्ट्स में, और वहाँ पर जाके पॉपुलर पर आप क्लिक करोगे, तो वो सबसे ऊपर वही वीडियो है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ है उसी के हैं, तो मुझे वही ध्यान आ गया। तो अभी वहाँ आने वाला है कान्हा जी, फिर मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ कान्हा जी से, क्योंकि मैंने उनका ब्लॉग शूट किया है वो मैं डालूंगी, और ये मैं अपना अलग ब्लॉग डालूंगी जो भी है, जो अभी आज से शूट कर रही हूँ, अभी से शाम तक इसे ख़त्म करूँगी, या कल कान्हा जी बन जाएंगे तब तक ख़त्म करूँगी, मुझे नहीं पता। लेने के लिए आ गए थे। हाँ, लाइन गड़बड़ कर दी आपने, और क्या हुआ, आप क्या बता रहे थे, माला क्या हुआ आपका? माला टूट गया और मैं गया। फिर आपने क्या किया? इधर आइए कान्हा जी, बाबा आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं, बाबा ने बोला कि मैं आ गया हूँ यहाँ तक, अभी आ जाऊँगा, तो रुके कि चले ये बताओ है? आपको ये टोपी निकाल दो, दबरा होगा ना, सुबह से पहने ऐसे ही, स्कूल में क्या क्या हुआ? रुको मैडम ने, सुनो सही, ये दिखाओ, ये बताओ कि मैम ने और क्या क्या करवाया? गर्मी भी इतना ज़्यादा हो रही है, तो पास हाँ मैंने अभी बांध दिया ना, बांध दिया, इधर आओ, इधर आओ मम्मा पापा, और मैम ने क्या क्या करवाया आपको ये बताओ, क्या क्या करवाया मैम? इधर मत जाओ, इधर आओ, बाबा उधर चले गए क्या?
बाबा पापा भी आ गए। पापा नहीं आ रहे, पापा क्यों आएंगे, पापा तो ऑफिस से। आ जाओ, पापा की कल छुट्टी है, हम लोग कल जन्माष्टमी मना रहे हैं, है ना। आज से स्कूल, कल थर्सडे को, हाँ छुट्टी है। कल जन्माष्टमी है बेटा, आज तो आप ऐसे ही स्कूल में गए थे। जन्माष्टमी क्या होता है? जिसमें कान्हा जी का जन्म हुआ था ना बर्थडे। आप भी तो मेरे कान्हा जी हो, आपका भी बर्थडे मनाया क्या कल? आज कौन सा दिन है? आपका पहला तो आपका बर्थडे मनाया कल? 17 कितना घुमा दिया मैंने गोल गोल, इधर से गोल गोल घुमा दिया। 27 को मैं बर्थडे आएगा तो आज कौन सा दिन है? आज डेट है, आपको तो पता होगा ना, 67 है। देखो मुझे भी ध्यान नहीं, आज 6 है, कल 7 को है जन्माष्टमी, है ना। बाबा तो आए नहीं, हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है धनु, आओ चले चले चले। कल फिर से रेडी होना अच्छे से, ठीक है? मम्मा साड़ी पहनेंगी, ठीक है? और मैं और आप यही वाला ड्रेस पहनना, चलो चलो। देखो देखा जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, ठीक है जाओ। चल ना बाबा, चल जी। ये गाना गा रहे थे क्या स्कूल में? कहाँ छुपी है, कहाँ छुपी है? बबली भी आज देखे क्या मैं क्या? वो तो स्कूल में ही बैठ पापा जी। हाँ। अभी स्कूल में। जा। बबली तो स्कूल ही मिल पड़ी। अभी आज देखे स्कूल में। बोल दिया ना कि हम जब आए तो बता दें। बबली। बाहर निकाल के लेके आओ, कहाँ है कहाँ है धानी जी, आपका ड्रेस कहाँ गया? कोई नहीं, कल कल भैया के साथ, है ना। कहाँ गए? आ जाओ भैया, बांसुरी। हाँ ले लो, सुनो आओ, अब बजा, अब हक करो, करो धानी हक। कैसे करते हैं? चल फिर छोड़ दो, चल आ जाओ धनु, आओ इधर आओ। नानी जी आई, देखिए किशन भगवान आई बारे। नानी जी अब ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये थर्सडे की मॉर्निंग की है, जिस दिन जन्माष्टमी था। मैंने सोचा था मैं सुबह उठ के बनाऊंगी खीर पूरी और सब्जी, लेकिन फिर से ऐसे प्लान बन गया कि नहीं, आलू का जो है पराठा खाएंगे। और इस आलू के मसाले में एक मिल गया बड़ा वाला मिर्च। ये जब प्याज काटने वाला जो मशीन होता है ना, उसमें प्याज और मिर्च डाल के काटा था, तो वो प्याज निकल, मतलब ये मिर्च कटा नहीं था। सो आज जो है व्लॉग, आज जन्माष्टमी मनाएंगे, लेकिन मैं मतलब हम घर पे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत ढिल्ली चल रही है, तो जन्माष्टमी है तो सो पूजा तो करना बनता है कान्हा जी का। कान्हा जी को मैं शुरू से बहुत मानती हूँ, बहुत ऐसा लगता है, बहुत क्लोज फील करती हूँ। मुझे भगवान में सबसे ज़्यादा पसंद वही भगवान जी हैं। वैसे भगवान जी तो सारे ही वही होते हैं, कोई भी एक ही भगवान होते, सबका नाम और रूप अलग होता है, लेकिन होता है ना कि एक इंसान किसी एक भगवान से, एक देवी या देवता से अट्रैक्ट होता है। जैसे मेरे पतिदेव जी हैं, वैष्णो माता से बहुत ज़्यादा हैं, अभी तो हमेशा वो यही बोलते रहते, वो ऊँचे पहाड़ों वाली ऐसे करके। तो वैसे मैं कान्हा जी से, मेरी जब शादी हुई थी ना, उससे पहले जो मेरी मम्मी है, वो कान्हा जी से ही मांगा था इनको। सो मम्मी भी बहुत क्लोज है, वो बताई शादी के बाद, बताई मेरे कि मैंने ऐसे ऐसे बोला हुआ था, ठीक है। फिर अपना पूजा वगैरह करके तब नाश्ता पानी किया, क्योंकि व्रत तो हम रखते नहीं हैं। जन्माष्टमी है तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। और आज का जो है कि कल ही हमारे राधा और कृष्णा बन गए थे, सो आज हमने नहीं किया, बिकॉज हमारे घर भी कोई आ गया था, जिसकी वजह से हमें बहुत लेट हो गया नाश्ता करने में, इतना लेट हो गया, सुबह ही आ गए थे। बस मुझे ये, मैंने पिंक साड़ी पहनी है, इसका कुछ वीडियो बनाना है, मुझे कुछ वीडियो बनाना था अर्जेंट, इसलिए मैं आई। और देखती हूँ शाम को कहीं जाना होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को अपडेट दूंगी, ज़रूर अपने साथ लेके चलूँगी, थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ दिखाऊंगी। कहीं का सोचा हुआ है मुझे धनु के फ्रेंड से भी उनको मिलवाने ले जाना है। सो अभी मैं थोड़ा सा अपना रील बना लूँ और जो भी शूट करना है कर लूँ, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से।
आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, ये तो बताया ही नहीं। सभी को बहुत सारी बधाई है। आज कान्हा जी का बर्थडे है, जन्मदिन है। रात को 12 बजे होता है, हम फास्ट नहीं रखते यहाँ पे, कोई भी नहीं रखते, इसलिए शायद हम नहीं रखते। मुझे समझ में नहीं था कि हम क्यों नहीं रखते। मम्मी मतलब कि ये लोग भी, दोनों भाई पहले रखते थे, फिर छोड़ दिया, बैठ जाती हूँ, फिर हम भी नहीं रखते जब से आए तब से। तो कान्हा जी आप सबकी सारी विशेष पूरी करें और सबको बहुत सारी खुशियाँ दें। और जैसे उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहता है, वैसे हमेशा हमारे भी फेस पे स्माइल रहे और हम ऐसे ही खुश रहें। क्यों ऐसे मुंह खुला के बैठी हो? हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? गुस्सा हाई लेवल का है। मम्मा को वीडियो नहीं बनाने, पास गुस्सा दिखा दो। मुँह क्या कर रहे हो? आप भी गंदे हो, आपने भी नहीं बना दिया, सब इधर उधर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। मुँह खुला ले। बस मैं आई थी यहाँ पर अपना वीडियो बनाने के लिए, मतलब रील भी मेरा ढंग से नहीं बना ये इस साड़ी पे, ठीक है? आप देखना, एक से दो पोस्ट करूँगी बस। मुझे कोलाब्रेशन के लिए तो उतना चाहिए था, इसलिए रोग आके कैसे भी कर लिया, वरना बिल्कुल नहीं बनाने दिया इन लोगों ने। भैया एक जेम्स दो ना, दे दो भाई जल्दी मम्मी को, ले लो तन्वी। हाँ खा लो। क्यों टूट गया? दूसरा चाहिए? ले लो तन्वी, ले लो जेम्स, जल्दी आओ। ये दोनों ने नाक में दम कर दिया है। इधर मैं अपना वीडियो एडिट कर रही हूँ, तब तक चले गए रेलिंग पे। इधर आओ। धनु अपने फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, इनके एक्साइटमेंट देखिए। कुर्ता पजामा पहन लिए हैं, ऐसे नहीं पहनते फ्रेंड्स के घर, यहाँ पे चुभी होता है ना। बट ये गाइस देखो, ये कितना सॉफ्ट कपड़ा है, फिर भी पता नहीं क्यों इनको होता है, इनके मन में घुस गया है, है ना। चलो कंघी करती हूँ, रेडी कर देती हूँ, ठीक है? पट्टी करूंगी, फिर आना है दादी के पास ही, दोस्त के पास जा रहे हो तो ज्यादा स्टाइल मत मारो। चुभ रहा है, चुभ रहा है, जैसे मम्मा को गिराए थे। धुएं चले चले। अब धनु अपने फ्रेंड के घर जा रहे, तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते, तो इन्होंने अपना बहुत सारा चॉकलेट, बिस्किट, स्केटल्स, पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो पता भी नहीं था, जब मैंने देखा तो पैकेट सब कुछ ले लिए, तब गए अपने फ्रेंड्स के घर और उनसे मिले। खुश? नहीं बेटा, ये बिल्डिंग है। अब बताओ आप खुश? ठीक से पकड़ लो, ठीक से पकड़ लो। आओ, हैप्पी हो? यस। अब लिफ्ट से जाएंगे रुद्र के घर। बाप रे कितने खुश हैं, अभी से मुझे अपने फ्रेंड्स के घर घुमा रहे हैं। दे दो, दोनों दे दो, हाँ पूरा दे दो, ऐसे देते हैं। सो गाइस, ये एक सोसाइटी है जहाँ उनके फ्रेंड रहते हैं, उनके फैमिली। तो यहाँ पे पूजा हो रही थी, कान्हा जी की जन्माष्टमी मनाया जा रहा था, झूला। तो यहाँ पे हमने पूजा किया, झूला झूलाया। मतलब आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी को ऐसे झूला झूलाना। हमारे घर जो बाल गोपाल होते हैं, जो ठाकुर जी, वो नहीं रखे जाते, बट जो लोग भी रखते हैं ना, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ कान्हा जी की हमने पूजा की। Thank you.
यहाँ दही हंडी का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था बहुत अच्छा लगा देख के। यहाँ पे देखिए सारे बच्चों का गेम चल रहा है। धनु ने एक ऐसी इमोशनल बातें की ना इसके बाद, मतलब 5-7 बच्चे के निकलने के बाद धनु आउट हुए थे, कह रहे हैं रास्ते में कि मम्मा पता है मैं आपके लिए ना जीतना चाहता था लेकिन मैं ना फंस गया। वो एक्चुअली ना माला जो है इनके गले में बिना लगे ही ऐसे रह गया था, फिर दोबारा इन्होंने ऑनेस्टी से अपने गले में डाला, फिर तब तक म्यूजिक जो है वो रुक गया, इसलिए ये हार गए। सो यही बात ये मुझे बता रहे थे। मुझे सुन के इतना वो हुआ, मतलब ऐसे खुशी हुई कि देखो इतना सा बच्चा है और अभी से कह रहा है कि मम्मा मैं आपके लिए जीतना चाह रहा था, मैं आपके लिए, मतलब बच्चों के अंदर कैसे ये सारी बातें आ जाती है सब देख के सुन के, तभी ऐसे देख के लगता है कि हाँ इसलिए, मतलब हर एक माँ हर एक बाप यही चाहता है पिता की एक औलाद हो, क्योंकि औलाद का जो प्यार और सुख होता है ना, मतलब क्या ही बोलूँ। बहुत 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 खुशी हुई, इमोशनल वाली बात नहीं कहूँगी हुई थी, लेकिन लोग कहेंगे हाँ हर बात पे तो इमोशनल ही हो जाते हो, पर जिसकी जो फीलिंग्स होती है वो होती है। इसके बाद घर आए और धनु हो गया। जा दादी नहीं है, हाँ आइए दे दो बाबू को, धनवी को, और दे दो, हाँ आपका है, आप ही का है, दे दो और मम्मा देंगी।